हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैकनेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम सबसे पहले अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप यहाँ पर लीजिएगा। तो मैं रख रही हूँ यहाँ पर 13 इंच लेंथ तैयार, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14 इंच पर मैंने एक मार्किंग यहाँ पर कर ली है इस तरीके से। ये जो ब्लाउज़ है वो डीप नेक के अकॉर्डिंग है, तो शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच, आर्म होल लेने हैं 4.25 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पर हमने चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर ली है। डीप नेक है तो डीप नेक में 1/2 इंच हम बाहर की तरफ मार्क करते हैं और इस तरीके से बाहर वाली लाइन से ही हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। इसके बाद देखिए हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, तो कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है, उसके बाद हमें इसे कट कर देना है इस तरीके से। कटिंग करने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे, तो मैंने मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है। अब हमें गले का मेजरमेंट लेना है, तो नेक विड्थ तो मैं रख रही हूँ इसमें 2.25 इंच, आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं और नेक की जो लेंथ है वो रख रही हूँ 9.5 इंच, आप 10 इंच या 10.5 इंच भी ले सकते हैं। नेक की जो विड्थ है और लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें राउंड शेप देते रहे इस तरीके से। राउंड शेप देने के बाद हम यहाँ पर इसकी कटिंग जो है वो पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी करेंगे, तो सेम मेजरमेंट लेना है। नेक की विड्थ लेनी है 2.25 इंच, नेक की लेंथ लेनी है 9.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ ले रही हूँ 3 इंच, 3.25 इंच, 3 इंच आप ले सकते हैं। और इस तरीके से पहले एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम नेक को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करना है, ऊपर से नेक विड्थ का 1/2 इंच छोड़ देना है। नेक की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है और इसके बाद हम गले को कट कर लेंगे और अस्तर वाला जो कपड़ा है उसके ऊपर रख कर हम इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए नेक की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अस्तर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर लेकर हमें इसे अटैच कर देना है, उसके बाद हम मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो अच्छे से हम हाथ से फिनिशिंग के साथ इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे फैब्रिक को। साइड से सिलाई लगाने के बाद हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हम इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर मार्क करेंगे, तो अच्छे से हमें यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करना है और ऊपर और नीचे की तरफ एक छोटा कट लगाएंगे। इसके बाद हम इसके चौक से सीधी सीधी मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद मैंने नेक लिया है और नेक को हमने इस तरीके से यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई लगा कर अस्तर के साथ इसे अटैच कर देना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे अटैच कर देना है, फिर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। अब हमें साइड से इसे फोल्ड कर लेना है, तो इस तरीके से हम गले को यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद नेक को भी डबल फोल्ड करके हमें यहाँ पर सेंटर मार्क करना है। ऊपर की तरफ एक छोटा कट लगा लेंगे और चौक से यहाँ पर सीधी सीधी मार्किंग कर लेंगे। अब हमारे ब्लाउज की सेंटर मार्किंग और नेक की सेंटर मार्किंग दोनों को मिलाते हुए सेंटर में एक रफ स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से। अब हमें नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है, तो पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए इस तरीके से कॉर्नर की एक सिलाई लगाकर हम नेक को अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे यहाँ पर। सिर्फ एक पैर के मार्जिन जितना ही कपड़ा यहाँ पर रखना है और पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं हमें इस तरीके से। कट लगाने के बाद एक सिलाई हम अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए गला पट्टी के ऊपर लगाएंगे।
अब हम गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा लेंगे इस तरीके से। फिनिशिंग की सिलाई हमें इस तरीके से यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हमें देखिए इसे अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है गले को, और इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। दोनों ही तरफ हमें इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है। इसके बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे। नीचे से हाफ इंच मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच करनी है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे, फिर कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कमर पट्टी को अंदर की तरफ से फोल्ड कर लेना है। इसी के साथ हमारा जो बैक नेक है वो कंप्लीट हो गया है सिंपल। अब इसमें हमें डिज़ाइन करनी है, तो इसके लिए एक पट्टी कट की है 3.5 इंच चौड़ाई में, और इसे हमने इस तरीके से सिलाई लगाकर पलट लेना है। तो अगर आपके पास मेन फैब्रिक कम होता है तो इस डिज़ाइन को आप कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक में भी बना सकते हैं। जो भी आपके साड़ी में या ब्लाउज़ में कलर होता है उसके कलर कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कपड़ा लेकर डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेम कलर का ही यूज़ किया है। इसके बाद मैंने पट्टी को पलट कर सीधा कर दिया है। हाथ से फिनिशिंग कर लेनी है और एक पेपर ले लेना है आपको। इस तरीके से इसे कट करना है, तो साइड में जो हमारा शोल्डर है वहाँ से बिल्कुल ब्लाउज़ की लेंथ के बराबर आपको पेपर कटिंग करना है। इसके बाद हम सुई धागे से इसे जो पट्टी हमने कट की थी उसे बो का लुक दे देंगे। इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे। तो सभी पैटर्न को हम इसी तरीके से यहाँ पर तैयार करेंगे। इसे नॉट लगाकर आपको अच्छे से पक्का कर देना है। अब इसके नीचे भी हम एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच चौड़ाई में और 3.5 इंच लंबाई में एक कपड़ा कट किया है। इसे ट्रायंगल में फोल्ड करके, जैसे कि हम ब्लाउज़ के नीचे जो लटकन लगाते हैं वैसा, आपको इसे फोल्ड करके पलट कर सीधा कर लेना है। इस तरीके से इसका नोक निकाल लेना है अच्छे से। बाकी सारे पैटर्न भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं यहाँ पर। अब हम इसके अंदर से सुई को निकालेंगे, और कोई भी आप अपनी पसंद से कलर का मोती ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिंक कलर का मोती लिया है क्योंकि इसमें पिंक कलर का कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लेंगे। सारे ही पैटर्न हमें इसी तरीके से यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। तो मैं अच्छे से यहाँ पर इसे सुई धागे से टक करके पक्का कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो गया है। बाकी सारे पैटर्न भी इसी तरीके से तैयार करने हैं। मैंने सभी पैटर्न यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो पेपर कट किया है उसके बिल्कुल सेंटर से इस डिज़ाइन को हम लगाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए, जैसे कि डिज़ाइन इतनी गैप में आ रही है, इतना गैप देते हुए हमें एक के नीचे एक इन्हें अटैच कर देना है इस तरीके से। एक तरफ से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, और एक पट्टी ली है मैंने यहाँ पर 1.25 इंच की, उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं साइड में, या फिर आप डायरेक्ट लेस भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से पहले पट्टी बनाऊंगी, उसके बाद इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। तो पट्टी को मैंने नीचे की तरफ रखा है और ऊपर न्यूज़पेपर पर सिलाई लगाई है। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देनी है। अब ये पट्टी हमारी ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, तो इससे साइड में हमारी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ पट्टी को फोल्ड करने से पहले मैं इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रही हूँ, ताकि ऊपर की तरफ से ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो बहुत इजीली देखिए यहाँ पर ये फोल्ड हो जाएगी। तो ये पट्टी आपको पाइपिंग से भी लगाना इजी रहेगा, और अगर आप चाहें तो साइड में पाइपिंग लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं। ये देखिए ये वाली पट्टी से इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ गई है साइड में। अब मैं यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसी तरीके से पट्टी लगा लूँगी, और ये मैंने फ्रिल के लिए फैब्रिक लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो भी 3.5 इंच की ही है, और 1 मीटर करीबन मैंने ये पट्टी ली है जिसकी हमें फ्रिल बनानी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे फोल्ड करते हुए फ्रिल बना लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से फ्रिल बनाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो एक तरफ हमारा ये डिज़ाइन आ जाएगा और एक तरफ हमारी फ्रिल आ जाएगी। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है और अब हम इसका पेपर भी निकाल देंगे। तो डिज़ाइन हमारी तैयार हो गई। लगाने से पहले आपको इसका न्यूज़पेपर जो है अच्छे से क्लीन कर देना है, बिल्कुल भी ये दिखना नहीं चाहिए। तो अच्छे से आप इसे निकाल दीजिएगा। पेपर को मैंने यहाँ पर निकाल दिया है और इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो लेस अगर आप लगाना चाहें इस डिज़ाइन पे तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेम कलर की, जैसे कि पिंक कलर का ब्लाउज़ है तो पिंक कलर की ही लेस ली है। अगर आप कॉन्ट्रास्ट लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और इसके बाद एक तरफ से हमने फ्रिल को अटैच कर देना है, ये देखिए इस तरीके से। तो अगर आप चाहें तो फ्रिल को पूरा कमर तक भी ले जा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर ही इसे फोल्ड कर लें और एक तरफ ये डिज़ाइन अटैच कर लें। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर जो फ्रिल का जॉइंट है उसे छुपाने के लिए हम यहाँ पर एक लेस लगा लेंगे इस तरीके से। लेस को भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो प्रेस लगाने के बाद ये गला अच्छे से बिल्कुल बैठ जाएगा। अब एक तरफ हम ये डिज़ाइन अटैच कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में ये डिज़ाइन आपका बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से नीचे से आपको इसे फोल्ड कर देना है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाकर इसे नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन हमारा बन करके कम्प्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।